सुबह सुबह हमारे यहाँ आती है हमारी गौ माता अपना रोटी लेने के लिए। देखो मैंने पूरा बेड़ा साफ कर दिया बाहर। जैसे जय माता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर कहानी में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। अभी अभी हमने पूजा की है और मम्मी ने मुझे टीका लगाया, मेरे नाक में गिर गया। बोलते हैं शुभ संकेत होता है, भगवान सबकी रक्षा करे। मेरे हस्बैंड बहुत दूर हैं, उनके साथ माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें और मेरे बच्चे को बुद्धि दें और सब को खुश रखे। पूरी दुनिया में सब बहुत अच्छे से रहें, ये मेरी ब्लेसिंग है। और आप लोगों ने कैसे रखा है आज का, कैसे कर रहे हैं आप सब, आप कैसे फास्ट रख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आज है मेरा पहला फास्ट, मम्मी और मैंने रखा है व्रत और बच्चे गए हैं स्कूल, डैडी गए हैं ड्यूटी और मेरे हस्बैंड ने भी माथा टेक लिया वहीं से। और हम लोग जा रहे हैं माता रानी के मंदिर, हमारी काली माता का जो गांव का मंदिर है वहां जा रहे हैं माथा टेकने के लिए मम्मी और मैं। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ माथा टेक लीजिए। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, ब्लॉग पसंद आता है आपको ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए चलते हैं। आ गए हैं हम मामा जी के यहाँ फूल तोड़ने के लिए, ये देखिए। और ये थोड़े फूल हमने तोड़ लिए हैं यहाँ पे गुड़हल के और ये गेंदे के, ये तोड़ लिया फूल। यहाँ देखिए तो अब हम लोग जा रहे हैं माथा टेकने के लिए माता रानी के यहाँ। सामान तो जो भी चढ़ाने का चम्मच सामान है, तेल घी जो भी माता रानी को चढ़ता है वो सारा सामान ले लिया है। और अब फटाफट से जाते हैं माथा टेकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे उबल रहा है हमारा दूध और ये बन रही है हमारी चाय। तो ये हो गया 11:15 और ये हमारी आज की पूजा करने के बाद की पहली चाय होगी ये वाली। हेलो दोस्तों, तो मंदिर से हम लोग आ गए थे अप्रोक्स 10:45 तक और उसके बाद हमने घर में माथा टेका। जब वहाँ आए फिर उसके बाद फिर चाय ची बनाई, चाय पी। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं यहाँ पे। मम्मी हेलो, मम्मी जय माता दी। जय माता दी। तो मम्मी और मेरे फास्ट हैं आज और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत जो रात के लिए प्रसाद बनाने वाला सामान लेने के लिए। और मम्मी आपसे मम्मी के मंदिर में कीर्तन स्टार्ट है तो मम्मी वहाँ के लिए फ्रूट फ्रूट लेने भी जा रहे हैं। तो बस अब फटाफट से चलते हैं क्योंकि बच्चे आ जाएंगे आज 2:30 और आके खाना पीना भी बनाना है। तो फटाफट से चलते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बाय। तो हम लोग आ गए हैं घर और हम लोग गए थे 11:30 और अभी 1:30 वाले हैं। हमें बहुत देर लग गई क्योंकि थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी था, थोड़ा मंदिर का सामान भी था और प्रसाद था चढ़ाने वाला, बहुत सारा सामान था। फिर वो हम सारा उठा के लेके आए। आटा तो यहाँ रखा हुआ है और आटा उठा अंदर रख दिया है मम्मी ने। बस अब मैं खा रही हूँ बनाना क्योंकि मुझे प्रसाद में मिला है और व्रत के टाइम तो यही खाना पड़ेगा। और मम्मी शॉपिंग करके आ गए हैं, अपनी चूड़ी वगैरह चूड़ियाँ प्रसाद वगैरह सब कुछ हम लेकर आ गए हैं। अब माता रानी का कीर्तन करने जाएंगे, बस 2 से 5 बजे तक करेंगे अपना माता का गुणगान। हैप्पी नवरात्रि। तो मम्मी और जाएंगे अब 2 बजे और उससे पहले बस मम्मी अभी थोड़ा सा चाय पी लेंगे और फिर जाएंगे। मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं व्रत में, सिर्फ 2 टाइम चाय पीते हैं और अभी फ्रूट खाएंगे बस। और मैं तो वो भी लेके आई हूँ प्रसाद वाला, ये प्रसाद में खाने वाला
जो साबुदाने का बनता है वो लेके आई हूँ, लेकिन मम्मी ये भी नहीं खाते हैं। और रात को भी जो कुट्टी को आटे का प्रसाद होता है ना वो ही खाते हैं, लेकिन मैं आलू की सब्जी और सिंपल रोटी खा लेती हूँ। तो बस अब बच्चे आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। ब्रेड लेके आ गई हूँ और थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, तो मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। बाय बाय। तो ये लेके आई है मम्मी के लिए बिंदी, कितनी सुंदर लग रही है ये मेरी छोटी छोटी बिंदी। और मैं लेके आई नेल फाइलर क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे। और ये लाया मम्मी प्लेन चूड़ियाँ, ये देखिए मम्मी आज पहनेंगे सूची चूड़ियाँ, लो मैं पहन लो। ये लाई हूँ मैं, तो मैं मोस्टली पहनती हूँ प्लेन चूड़ी, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो ऐसे वाले लेते हैं। मम्मी ने बोला ये वाले ले ले। और ये जो चूड़ियाँ है ना ये माता रानी के वहाँ से मिली है मुझे, तो मैंने ये पहन ली है अभी। अब मैं पहनूंगी ये वाली चूड़ियाँ। तो ये पहन ली है मेरी मैंने आज अपनी नई नई चूड़ियाँ, कैसी लग रही है बताना कमेंट में। और दूसरा हाथ में ऐसी है। तो चलिए फिर चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं और फिर बच्चों को खाना बनाते हैं। तो बनी रहिएगा ब्लॉग के साथ। आरुष भी आ गया, आरुष हाँ रखते हैं ना। तो टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले हैं और यहाँ मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया था, तो आलू उबल चुके हैं। और ये मैंने ना आटा भी लगा लिया है, तो ये आटा भी अच्छे से मैंने नमक अजवाइन और कस्तूरी मेथी डाल के लगा लिया है। और यहाँ पे मेरा आरुष नुनू कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको, 5 बजने वाले हैं और आरू सो रहा है और आरव चला गया है ट्यूशन। आज वो अपनी चाची के साथ गया है क्योंकि आरू सो रहा था तो मैं नहीं जा पाई। और आरुष का बैग भी यहीं रखा है। और मैंने अभी आलू उबाल दिए हैं, आटा गूंद के रख दिया है क्योंकि मैं खाती हूँ रात को आलू की सब्जी और पराठे, और मम्मी खाएंगे कुट्टू को आटे का वाला प्रसाद क्योंकि मम्मी शुरू से ही वैसा रखते हैं और मैं शुरू से ऐसे ही रखती हूँ हमारे मेरे मायके से ही, तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। मम्मी ने बोला कि इसी तरीके से रखना है जैसे शुरू से रखते हैं, तो बस यही सब चल रहा है। और अभी ना मैं थोड़ा सा थक गई थी, मुझे ना ऐसा लग रहा था मुझे नींद आ जाएगी, और फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया, फिर मैं अपने हस्बैंड से बातें करने लग गई, फिर उनसे बातें करते करते मेरी नींद भी उड़ गई। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से काम भी कर लेते हैं, तो हम लेडीज़ का यही सब चलता है। तो उसमें है शैली, तो उसकी मेहंदी लगानी है मैंने अभी क्योंकि उनकी मम्मी ने बोला है कि उनकी मेहंदी लगानी है, तो मैंने बोला चलो 5-10 मिनट में भेज देना, तो हल्का फुल्का मेहंदी लगा दूंगी क्योंकि ये जो शगुन की मेहंदी होती है ना ये लगाना ज़रूरी होता है, तो और कन्या को लगाना तो और भी अच्छी बात होती है ना। तो मैं चलती हूँ, अब मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। A few moments. ये बनेंगे कुट्टू के आटे का पूरियाँ, आलू और हरी मिर्च इसमें मिक्स कर दी और मसाले के साथ सेंधा नमक। और ये बनेंगे पकोड़े जो कच्चे आलू को मैंने कट करके बनाए हैं ये वाले। और जो ये आलू है इसकी बनेगी आलू की सब्जी। अब बन रही है ये पूरियाँ, मेरे से ठीक से नहीं बनी तो मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बना ली है। और ये इसका आटा, और यहाँ मैं बना रही हूँ आप खाने की खीर। आज क्या है आरुष? हैप्पी मॉर्निंग, नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, जय कर दो। आजो बाजो, चलो जल्दी आओ। यहाँ पे मैंने प्रसाद की थाली रख ली है, इसमें है हमारी ये खीर मखाने की, और ये है आलू की तरी वाली सब्जी, ये बनाए हैं मैंने पराठे, और ये है ओगड़े के आटे की पकोड़े, और ये है पूरियाँ छोटी छोटी बनाई हैं, और ये प्रसाद जो मम्मी ने चढ़ाया था। तो बस पानी के साथ मैं अपना व्रत खोलती हूँ और पहले चढ़ाऊँगी भगवान को। 10 बजने वाले हैं और आरुष ने अभी होमवर्क नहीं किया था, तो उसको मैं फटाफट से उसका होमवर्क करा रही हूँ। ये क्या है आरुष? गुड बॉय, खौसे खरगोश, फटाफट बनाओ। तो अब ये फटाफट से बना लेगा, उसके बाद हम रिविज़न करके सो जाएंगे, है ना आरुष? हेलो दोस्तों, तो टाइम हो चुका है 11 बजे का,
और दोनों बच्चे सो चुके हैं। आरुष यहीं पे सोया है और मम्मी के साथ आरव सो गया है और मेरा सारा कुछ काम हो गया है, निपट गया है यानी कि। और अभी अभी आरुष ने ना होमवर्क करा, बड़ा मुश्किल से उसने आज होमवर्क किया है क्योंकि स्कूल से आया, उसके बाद मैंने उसको सुला दिया और मैं थोड़ी सी बिजी भी हो गई थी, कहीं कुछ बनाना कहीं कुछ करना, इसलिए और इसलिए मैं उसको होमवर्क नहीं करा पाई थी। बस ये है कि चलो फटाफट से कर लिया उसने होमवर्क और अब फटाफट से मैं भी रेस्ट करती हूँ क्योंकि आज सुबह से उठी हूँ और दिन से लगी हूँ, कभी मार्केट जाना, कभी शॉपिंग करना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस यही सब चल रहा है। और मैंने चेंज चुंज कर लिया है अब, तो मैंने कर लिया है चेंज, अब मैं सोने जा रही हूँ। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, माता रानी के आशीर्वाद से व्रत बहुत अच्छे से हुआ, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद खाया और मैं रखूँगी फर्स्ट और लास्ट फास्ट अपना, और उसके बाद नवमी में हम पूज देते हैं क्योंकि मेरी चल रही है आजकल दवाई, जैसे कि बीच में मुझे एलर्जी हो गई थी थोड़ा से और इसीलिए मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैंने अगर मैं कंटिन्यू व्रत रखती हूँ तो मुझे फिर दवाइयाँ स्किप करनी पड़ेगी जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय दोस्तों, टेक केयर ऑल, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।